हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये सीरीज़ का लास्ट एपिसोड होने वाला था, लेकिन चूंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती, इसीलिए इसे पूरे डिटेल में समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा लास्ट एपिसोड भी आएगा, जहां आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और हमें उसी एपिसोड में इसकी भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या इसके सेकेंड सीजन आने के चांसेस है या नहीं। तो आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, जो आपको रोलर कोस्टर राइड में ले जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इतना जरूर कहूंगी कि अगर आप सभी ने अब तक मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है। आपको बस रेड कलर के बटन पे क्लिक करना है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब फाइनली बिगिन करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सूफिंग रहता है वो उस खंजर को फेंक देता है ताकि उसके कजन्स की जान बच सके। लेकिन लुइन यहाँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो ऐसे शब्दों का उच्चारण करता है जिससे सूफिंग फिर से आग बबूला हो जाता है। यहाँ वो आओ देखता है ना था और वो उस खंजर से डायरेक्ट उस लुइन का काम खत्म कर देता है। जैसे इधर लुइन की मौत होती है, जो कि उसे लिनरान के लिए, जो कि उसका असली फादर होता है, उसके लिए काफी शॉकिंग पॉइंट होता है कि उसका वो रियल सन था, जो कि थी तो एक नाजायज औलाद, वो उसकी मौत से काफी ज्यादा स्टंट रह जाता है। इवन कि उसके जो लास्ट शब्द होते हैं वो लिनरान के लिए फादर ही होते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उसी लिनरान को देखते हैं कि जिसने अपने स्पिरिचुअल इविल एनर्जी को रिलीज कर लिया था। यहाँ वो सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि इस बैटलफील्ड पे हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे आया है वो जिंदा नहीं बचेगा, वो हर एक को खत्म कर देगा। यहाँ सबसे पहले वो टावा बोलता है सूफिंग पे, सूफिंग भी उसे हिट करता है, लेकिन तभी उसे बचाने के लिए उसके मास्टर योगी भी आ जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनरान के जो सोल्जर्स होते हैं वो भी अपने सुपरनेचुरल पावर को एक्टिवेट करते हैं और उसका हर एक सोल्जर जॉनू रेलम का होता है, जो कि अपने में ही बहुत बड़ी बात होती है। अब उसकी पूरी आर्मी एक्टिवेट हो जाती है और सारे के सारे सोल्जर्स अंधाधुन वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं। अब यहाँ पे सभी पे अटैक होता देख सूफिंग जो होता है वो लिनरान से कहता है, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम इन इनोसेंट लोगों पे क्यों अटैक कर रहे हो? बदला लेना ही है ना, तुम्हें सिर्फ मुझसे सामना करना चाहिए, बाकी को यहाँ से जाने दो। इसलिए लिनरान उसे जो कहता है वो एक खतरनाक डायलॉग होता है। वो सूफिंग से कहता है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो, क्योंकि यहाँ इस जगह में मौजूद हर एक बंदा, सबकी जान को भी मैं कंपेयर करूंगा मेरे उस लुइन की जान के मुकाबले, तो सबकी जान मुझे कमतर ही नजर आएंगी। अब वो लिनरान तो इतना ज्यादा अपनी नाजायज औलाद के प्यार में पड़ चुका होता है कि वो पूरी की पूरी वहाँ पे कोलाहल मचा देता है। लेकिन वहाँ पे वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के भी मेंबर होते हैं और वो अपने सामने इस अत्याचार को देखते कैसे चुप रह सकते थे। अब वहाँ पे वो सभी मेंबर्स मिलके एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिससे अंधाधुंध ड्रैगन्स निकलते हैं। ये सभी ड्रैगन्स जो होते हैं वो लिनरान के सोल्जर्स पे अटैक करते हैं, जिसे वो सोल्जर्स यहाँ पागल होके मरते जा रहे थे। ये देखते हुए जो लिनरान होता है अब उन सभी मेंबर की गिल्ड पे अटैक करता है। लेकिन यहाँ वक्त रहते ही सूफिंग एक शील्ड क्रिएट करता है ताकि वो अपने गिल्ड के मेंबर के लोगों को बचा सके। लेकिन लिनरान जो होता है वो अपनी लगातार शक्तियों को इंक्रीज कर रहा था और वहाँ पे इसके कारण एक बहुत ही बड़ा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है, जिसका मुकाबला करना सूफिंग के लिए भी नामुमकिन हो जाता है और वो नीचे गिरता है। इधर दूसरी तरफ जो लिनरान होता है वो भी वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के मेंबर से ज्यादा देर सामना नहीं कर सकता, के लिए भी उनका मुकाबला करना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे वो लुइन की लाश को देखता है उसके अंदर बदला लेने की तीव्र भावना उभर पड़ती है और ये सोचते हुए कि आज एक फादर होने के नाते चाहे अपने रिवेंज के लिए मुझे अपनी जान भी दे दे तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसा कहते ही वो अपने उसी बीस्ट को रिलीज करता है, जिसे रिलीज करने के लिए एक फॉरबिडन ड्रग खाना पड़ता है। इसके सख्त मनाही होती है क्योंकि उस ड्रग्स को लेने के बाद जो बीस्ट अपेयर होगा वो काफी ज्यादा इविल होता है। इस बैन किए हुए ड्रग का जो यूज लिनरान कर रहा होता है, इसे सब सरप्राइज रह जाते हैं, क्योंकि उसने अपने आप की आत्मा डेविल के नाम कर दी थी, जिसके कारण वो अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए पूरी की पूरी तरह डेमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड से ही जानते हैं कि पिछले 10 सालों से जो ये लिनरान होता है वो तियान्यू रेल्म में आने के लिए काफी ज्यादा डिस्परेटली प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन पूरी तरह से नाकाम रहता है। लेकिन अब जो उसने ये डेमन रूप धारण किया है, इससे पूरी तरह पता चलता है कि उसने तियान्यू रेल्म में ब्रेक थ्रू कर ही लिया है। इसका सामना करने की जरूरत वहाँ पे खड़े किसी भी बंदे में नहीं थी, क्योंकि कोई अब तक तियान्यू रेल्म में पहुँचा ही नहीं था।
लेकिन यहाँ फिर भी लिनरान के उस कोहराम को रोकने की कोशिश वो वर्ल्ड स्प्रिट गिल्ड के मेंबर कहते हैं जो कि नाकाम रह जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो सिलोंग सेक्ट के जो एल्डर्स होते हैं साथ ही सूफिंग और जो अलग अलग क्लैंस के लीडर होते हैं वो एक साथ मिल करके अब उस लिनरान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी शक्तियाँ इतनी इवेल होती है की सारे मात खा के नीचे गिरते हैं। तो यहाँ पे हैरान करने वाली हम बात ये देखते हैं कि इसकी ईविल शक्तियाँ इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती हैं कि वहाँ मौजूद हर एक बंदा फ्रोज हो जाता है, इस तरह से वहाँ पे जम जाते हैं कि जैसे एक स्टैचू हो। आगे लिनरान पूरी तरह से गुस्से में पागल हो जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा होता है उसके रास्ते में आने वाले हर एक बंदा ऐसे गिरता है जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है, वो एक कठपुतली है। यहाँ वो लगातार बस एक ही चीज कहे जा रहा होता है कि तुम सब यहाँ मरोगे। जैसे ही लिनरान आगे बढ़ता है सूमी और सूरी को मारने के लिए इधर से सूफिंग उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है और मैंने उस लुइन को मारा है तो तुम्हें मुझसे मुकाबला करने चाहिए ना कि बाकियों को मारना चाहिए। फिर इसका ध्यान सूफिंग की तरफ जाता है और उसे वो फिर गले से खींचता हुआ आता है और उसे कहता है कि वो तुम्हें थे जिसने मेरे लुइन को मारा था, और उसे बैटल फील्ड पे पटकता हुआ वही खंजर उसके सामने पेश करता है ये कहते हुए कि अब तुम्हें भी उसी की तरह सुसाइड यहाँ करना होगा और जिस खंजर पे मेरे लुइन के ब्लड लगे हैं उसी खंजर से तुम्हें अपने आप को मारना होगा वरना मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। और एक नमूना दिखाने के लिए वो उसी एल्डर को पकड़ लेता है जो चिल्लाते हुए यहाँ लिनरान से कह रहा होता है कि मैं तो आप ही के साइड की तरफ का हूँ, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और देखते देखते उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ जो एल्डर्स होते हैं और बाकी के जो सूफिंग के सपोर्टर्स होते हैं वो सूफिंग को इस तरह की हरकत करने से मना करते हैं, लेकिन यहाँ लिनरान एक सेकंड के भी नहीं रुकता, वो सभी लोगों को इस तरह से गाज और मूली की तरह खत्म कर रहा होता है। ये देखते हुए सूफिंग भी यहाँ तैयार हो जाता है। यहाँ सभी लोग सूफिंग को रोकने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की स्टूपिड हरकत मत करना, जब तक लाइफ है तब तक होप बाकी है। इधर सूफिंग के सब कॉन्शियस माइंड में जो क्वीन होती है वो भी उसे समझाने की कोशिश करती है, तुम्हारे पास एयर कंट्रोलर है तुम इसका यूज करके यहाँ से भाग सकते हो, लेकिन कभी भी यहाँ अपने आप को खत्म करने की कोशिश मत करना और तुम मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दे दो ताकि हम लोग दोनों मिल करके इसे हरा सके और अगर हरा ना भी पाए तो यहाँ से भागने में कामयाब हो सके। जिस पे सूफिंग उसे कहता है कि मैं यहाँ इस तरह से भाग नहीं सकता और इतने सारे लोगों को अपने सामने इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता, इसकी शुरुआत मुझसे ही हुई थी और इसका अंत भी मुझसे ही होगा। इस पे क्वीन उसे कहती है कि तुम यहाँ बकवास की बातें बंद करो और अपनी बॉडी पे मुझे कंट्रोल लेने दो, लेकिन जैसे ही वो क्वीन ऐसा करने वाली होती है हम देखते हैं कि सूफिंग ने अपनी बॉडी पे एक बैरियर लगा दिया होता है ताकि क्वीन उसे कंट्रोल ना कर पाए। वो जानबूझकर क्वीन की जान को ही बचाने के लिए ऐसा करता है। आगे वो उसे कहता है कि एक स्प्रिट और एक कल्टीवेटर के बीच ऐसा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जब वो कल्टीवेटर मर जाता है तो स्प्रिट उसकी आजाद हो जाती है, इसीलिए मेरे मरते ही तुम आजाद हो जाओगी। जिस पे क्वीन उसे कहती है कि तुम यहाँ मेरे लिए डिसीजन नहीं ले सकते और हमारे बीच का वो जो कॉन्ट्रैक्ट था, हमारे बीच का वो जो प्रोटेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट था तुम ऐसे ही टर्मिनेट नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ सूफिंग को देखते हैं कि वो माइंड मेकअप कर चुका होता है और वो उस खंजर को अपनी गर्दन पे रख के चला देता है जिससे उसे सपोर्ट करने वाले सभी के सभी शॉक रह जाते हैं। और एक सेकंड के लिए हमें भी लगता है कि अब सूफिंग ने अपने आप को खत्म कर दिया है, लेकिन यहाँ किसी की एंट्री होती है और जैसे ही वो अपेयर होता है लिनरान की वो जो इविल पावर होती है वो तुरंत ही टूटती है। सभी के सभी वापस से अपने फॉर्म में आते हैं और यहाँ सूफिंग के हाथों से वो खंजर भी गिरता है और ये बंदे और कोई नहीं बल्कि उसी चिलिंग प्रिंस मैंशन के एम्परर होते हैं, जिसे देखते ही लिनरान तो दुम दबा के पीछे हट जाता है और यहाँ शॉकली उसे पूछने लगते हैं कि आखिर एम्परर यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। जिसपे एम्परर उसे कहते हैं कि तुम काफी बूढ़े हो चुके हो और अब भी अपने नेक्स्ट लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए तुमने उस बैंड ड्रग का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे अपनी मनमानी करने के बावजूद भी तुम ये सवाल मुझसे कर रहे हो। और आगे हम इम्पीरियर को देखते हैं जो कि अपनी पावर रिलीज करते हैं और हमने ये पहले ही जाना था, इम्पीरियर ने उसी बाइसुजाओ माउंटेन पे ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रहे होते हैं और वो भी अपने तियानियो रल में पहुंच चुके होते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में कोई इससे मुकाबला करने आ चुका होता है जिससे लिनरान उससे कहता है कि अगर तुम्हारे साथ इस फाइट में मैं मर भी जाऊँ तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा क्योंकि जिसकी मौत का मैं बदला लेना चाहता था वो मुझे काफी प्रिय था। अब हमें लगता है कि उनके बीच यहाँ पे काफी घमासान फाइट होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। एम्परर के एक बार जोर से दहाड़ते ही वो जो लिनरान होता है वो सन करके नीचे गिरता है, जिसपे एम्परर उसके सामने आके कहते हैं कि तुमने वो जो बैंड ड्रग लिया था इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, ड्रग एक बार में तो तुम्हें दूसरे लेवल पे ब्रेक थ्रू करवा देती है लेकिन फिर लंबे समय के लिए तुम्हें इसकी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती है क्योंकि उसके लेते ही जितनी ज्यादा पावर्स ऊपर जाती हैं उतनी ही तेजी से ब्लैक लैश होने लगता है, उसकी शक्तियाँ इतनी ज्यादा कम हो जाती हैं कि वो मात्र एक ऑर्डिनरी पर्सन से अलावा कुछ नहीं रहता।
बागे वहाँ इम्परर ये डिसाइड करते हैं जो कि लिन रान एक डिप्टी जनरल मैनेजर था उसे चिलिंग प्रिंस मैंशन का, इसीलिए उसे पैलेस में ही ले जाया जाएगा और वहाँ के लॉर्ड डिसाइड करेंगे कि पर्सनली इसके साथ कैसे हैंडल किया जाए। और रही बात यहाँ सभी लोगों को जो इंजरीज हुई हैं वो उसको ठीक करने के लिए ड्रान की ही पुटली बैग का यूज करते हैं जिसके अंदर उसी बाइसुजाओ माउंटेन की मिस्टीरियस मेडिसिन की भरमार होती है। जैसे ही वो पुटली को ओपन करते हैं उसके अंदर से वही हेयर पिन निकलता है और वो चिट्ठी निकलती है जिसके अंदर उसकी गर्लफ्रेंड ने बताया था कि वो लुयुन उसका बेटा है। और इम्परर जोर जोर से पढ़ के वहाँ मौजूद सभी को बता देते हैं कि वो लुयुन एक्चुअली में थे इस लिन रान का बेटा था, तो लगता है तुम इसीलिए इतने ज्यादा आग बबूले हो रहे थे। और ये जब असलियत पता चलती है सभी को, सभी तो स्टंट रह जाते हैं, लेकिन उस जुआन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं उनका चेहरा देखने लायक होता है। अब ये सुनते ही वो आओ देखता है नताव और उस लिन रान की बॉडी को वहाँ से ले जाता है उसकी और सबकी जान बचाने के लिए एम्परर को थैंक्स कहता है। इस पे एम्परर उसे कहते हैं कि अरे मुझे सीनियर तो मत कहो, तुम्हारा और मेरा तो लगभग एक ही टेम्परमेंट है, तो क्यों ना हम दो ब्रदर्स मिलके यहाँ पे टेक ओवर कर ले। जो लास्ट एपिसोड होता है वो हमेशा थैंक यू एपिसोड होता है, इसलिए जो शिलोंग सेट के बाकी के एल्डर्स जो होते हैं यहाँ पे एम्परर ची ने उन सभी की जान बचाई थी, इसलिए वो सभी अपना अपना आभार प्रकट कर रहे होते हैं। जिस पे एम्परर उसे कहते हैं कि अरे इतना ज्यादा प्लाइट होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी अपने न्यू तियान्यू रियल में ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए मैं बस यहाँ देखने चला आया कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब मैंने देखा कि सूफिंग ट्रबल में है तो आखिरकार मैं उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आता। अब यहाँ जो एम्परर होते हैं उनकी कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होती है कि वो तुरंत ही माहौल को हंसमुख कर देते हैं। जैसे वो सूफिंग की तलाश में पीछे मुड़ते हैं, सूफिंग वहाँ से ऑलरेडी जा चुका होता है। अभी सीन चेंज होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो युआन सिटी के जो लॉर्ड होते हैं वो लिन रान की अधमरी सी लाश को ले जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक से वो एक जगह रोकते हैं और यहाँ पे लिन रान से कहने लगते हैं। एक बार वो हुई विलेज ने उसे एक लेटर पहुँचाया था जिसमें पूरे कोशान सिटी को तबाह करने की बात लिखी हुई थी, और मैं ये जानता था कि वो अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल रहा है, इसलिए मैंने भी अटैक करने के लिए एग्री कर दिया। मैं ये नहीं जानता था कि मेरा जो बेटा जिसे मैंने इतने प्यार से पाला था वो एक्चुअल में तुम्हारा रियल सन है। तो कहते हुए वो उसे बग्घी से निकालता है और सीधा जमीन पे दे मारता है। ये वो बताना कंटिन्यू करता है कि जब उसकी वाइफ उसके पास पहली बार आई थी उसे गुड न्यूज बताने के लिए, और उसने ये भी बताया था कि चिल्ड्रन प्रिंस मैंशन का जो जनरल मैनेजर लाने के जो तुम थे, इससे मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई थी कि तुम जैसा टैलेंटेड और स्मार्ट बंदा मेरे बेटे को ट्रेन करेगा, इसीलिए मैंने पूरे अपने जुआन सिटी की सुरक्षा के लिए तुम्हें अपना स्ट्रॉन्गेस्ट बैकर बनाया, लेकिन मैं कभी नहीं सोच सकता था कि वो एक्चुअल में तुम्हारा ही बेटा था जिसके लिए तुम्हें इतने ज्यादा मेहरबान थे। जिसमें वो लिन रान अब जुआन सिटी के लॉर्ड से कहने लगता है तो क्या हुआ इससे, क्या तुम मुझे यहाँ पे मारोगे। और आगे लिन रान यहाँ मरने से पहले भी यही बात कहता है कि तुम मुझे यहाँ मार डालो, और लॉर्ड के सामने ये कहना कि सूफिंग ने मुझे किसी तरह का पॉइजन दे के मुझे मारने की कोशिश की है, जिसपे मैं मरने के बाद भी सूफिंग का पीछा नहीं छोड़ूंगा और वास्तव में, और ये प्लान आखिर लुइन का ही था। तो तुम्हें क्या लगता है कि इतना ज्यादा स्मार्ट बंदा तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। जैसे ही जुआन सिटी का वो लॉर्ड तियानपिंग ये बात सुनता है पूरी तरह से खून खौल जाता है उसका, और वो ऐसा उस पे अटैक करता है, एक सेकंड के अंदर ही उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज करते हुए वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने में वहाँ सूफिंग अपीयर होता है जो ये सारी बातें सुन रहा होता है। शुरुआत ही हमारा ये एपिसोड यहीं होता है फिनिश। सो गाइज, ये आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही एक न्यू चैनल को रिलीज किया है, इसमें मैंने हाल ही में न्यू रिलीज हुई सीरीज को अपलोड करूंगी। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अब तक मेरे उस दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर दें। बार बार मैं सब्सक्राइब के लिए इसीलिए कहती हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारी 92K की फैमिली है, और अब तक मेरे न्यू चैनल में केवल 2000 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। ऐसा कैसे हो सकता है गाइज, अगर आप लोग मेरे ट्रू सब्सक्राइबर हो ना तो सब के सब अभी जाओ और उस नए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि वहाँ भी मैं आने वाली सीरीज को अपलोड करूंगी जिसकी कहानियाँ वाकई में काफी ज्यादा रोचक है और ये आपको जरूर एंटरटेनमेंट का महाडोज देंगी। तो बहुत ही जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।